कार्तिक की पूर्णिमा के दिन जो व्यक्ति किसी जलाशय पर, नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, जहां भी जलाशय हो, उस तट पर जाकर दीप लगाएगा, तो उसने जो 3 दिन दान करा है, उसका पुण्य उसके खाते में 1,00,000 गुना होकर चला जाएगा। लोग इसको देव दीपावली कहते हैं, क्योंकि वो पुण्य लक्ष्मी जी छुड़ा कर लाई थी, और इतनी दीप उत्सव मनाया गया था लक्ष्मी जी के लिए कि वाह रे लक्ष्मी वाह, तूने जगत का कल्याण कर, तूने जगत का उद्धार कर दिया। इसलिए दीपावली से ज्यादा महत्व देव दीपावली का, कार्तिक पूर्णिमा का। धनतेरस, रूप 1400, दिवाली पे तुमने कितनी भी पूजन करी हो, कितना भी दिया लगाया, पर उसका जो पुण्य है तुम्हें मिलेगा तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन मिलेगा, जब तुम दीप दान करने किसी नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, तालाब पर पहुंचोगे। वहां नहीं जाओगे तो पीपल के पेड़ के नीचे, वहां नहीं जाओ तो आंवले के पेड़ के नीचे, पर वहां दिया दान होना चाहिए। और कई लोगों का नियम है साहब, आज भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीप दान करते, पर दीप दान का भी लोगों ने गलत एक तरीका निकाल लिया। दीप दान का भी गलत तरीका निकाल, दीप दान कहां होता है? नदी, तालाब, सरोवर, कुंड, बावड़ी, कुआं, जहां पानी होता है उसके घाट पर। पर लोग दिया दान कैसे करते हैं? सारी फुलझड़ी, फटाका, मिठाई का डब्बा, इनका जो खाली खाली डब्बा बच जाता है, खुद तो खा जाती, और जो बचा हुआ खाली डब्बा होता है उसको इकट्ठा कर करके रख लेती, फिर घर में। श्री शिवाय नमः शुभम साथियों। तो किसी भी कागज के खोके के अंदर या जो मिठाई पटाखे के डिब्बे बच जाते हैं, उनके कवर बच जाते हैं, उनके अंदर दीपक रख करके पानी में कभी नहीं तैराना चाहिए। इस तरह से घाट के ऊपर दीपक रखने, जो घाट है वहीं पर कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपक रख करके दीप दान किया जाता है, जिससे दिवाली, धनतेरस और रूप चतुर्दशी के दिन जो दीपदान किया है उसका पुण्य मिलता है। तो अगर इन 3 दिनों का दीपदान का पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन घाट पर दीपदान करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को जरूर शेयर करें। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम साथियों। कार्तिक पूर्णिमा के और भी उपाय चैनल पर जरूर आएंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सभी उपायों का लाभ जरूर प्राप्त करें।